सरों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। गाजियाबाद में भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, आज पहली बैठक होने वाली, यहां वो भाजपा के अभियानों की समीक्षा करेंगे। धर्मपाल सिंह और क्षेत्रीय अध्यक्ष समेत जिला अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि प्रदेश के नए निर्वाचित अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज गाजियाबाद दौरे पर हैं और वो आज वहाँ पे जमीनी कार्यकर्ताओं और वहाँ के प्रतिनिधियों से मिले मुलाकात करेंगे और 2024 की रूपरेखा तय करेंगे। इस खबर पर हमारे संवाददाता प्रवीण हमारे साथ मौजूद हैं। प्रवीण, क्या कुछ अपडेट आ रही है? भूपेंद्र सिंह चौधरी वहां पहुंच चुके हैं और क्या नया अपडेट आपको मिल रहा है इस बारे में? देखिए मनीष, अभी लगातार क्योंकि अभी दिल्ली में दौरा कर रहे हैं, लगातार बैठे मोदी से मिले, अमिताभ से मिले हैं, भूपेंद्र सिंह चौधरी कहीं ना कहीं थोड़ी देर का समय लगने वाला यहाँ पहुंचे और आपको पीछे की तस्वीरें दिखाऊंगा। देखिए मंच पे भव्य स्वागत होने वाला है। नवनियुक्त जो यहाँ भाजपा के अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष, उनका भव्य स्वागत करेंगे कार्यकर्ता पदाधिकारी। पूरा मंच सजाया गया है, होर्डिंग पोस्टर लगाए गए, क्योंकि यहाँ के जो नेता है अपने अपने नाम के साथ होर्डिंग पोस्टर लगाए गए। विधायक जी सुनील शर्मा जी का यहाँ, क्योंकि सभी लोग धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग एकत्र होने वाले हैं और कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा पश्चिम उत्तर प्रदेश में भूपेंद्र सिंह चौधरी का जो दौरा है ये बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं पश्चिम से ही 2024 की हुंकार भरी जा सकती है। कहीं ना कहीं अपने संगठन से बात करके यहाँ पर एक 2024 की जो रणनीति है उसको तय करिएगा। हमारे साथ एक भाजपा के नेता है, हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ बातचीत होने वाली है यहाँ पर? आज भूपेंद्र सिंह चौधरी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्या कुछ वार्तालाप? वो क्षेत्र के जिलाध्यक्षों से और पदाधिकारियों से, कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए वो पहली बार गाजियाबाद वो आ रहे हैं और उन्हीं के स्वागत के लिए ये मंच सजाया जा रहा है। सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर इसमें लगे हुए हैं, सभी ने फ्लैक्स बैनर सब लगाए हैं और पूरी तैयारियां हैं। भाई साहब का भव्य स्वागत यहाँ होने वाला है। क्या रणनीति हो सकती है इस बार, क्योंकि पश्चिम के दौरे एक लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ कर चुके हैं, उसके बाद दो डिप्टी सीएम भी आ चुके हैं, कई बार यहाँ पर दौरे हो चुके, क्या कारण लगता है कि यहाँ पर बीजेपी की नींव कमजोर लग रही है, इसके डर के वजह से यहाँ पर दौरे किए जा रहे हैं ऐसा कुछ? देखिए, ऐसा नहीं कह सकते कि भाजपा की नींव यहाँ पश्चिम में कमजोर है। भाजपा मजबूत है, भाजपा को और मजबूत करने के लिए पश्चिम से चौधरी साहब को नेतृत्व दिया गया है, तो निश्चित ही भूपेंद्र चौधरी जी के नेतृत्व में भाजपा पहले से और ज्यादा मजबूत होकर आएगी और 2024 में भाजपा 100% सीटों के साथ विजयी होगी। तो देखिए, ये भाजपा नेता है लगातार, इनका कहना है कि भूपेंद्र सिंह चौधरी यहाँ पर जो सबसे खास माने जाते हैं, योगी जी द्वारा बन के आए हैं अध्यक्ष, हमारे ऐसे मतलब पहले से लोगों को जानते थे कार्यकर्ताओं को और हमारे बीच से बने हुए पश्चिम के हैं, बड़ी बात है। क्या लगता है दौरे लगातार, क्योंकि यहाँ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दौरे कर चुके हैं, उसके बाद यहाँ पर डिप्टी सीएम दो दो आ चुके हैं, क्या लगता है कि यहाँ पर क्या भाजपा कमजोर दिख रही है इस तरह से कि यहाँ से हुंकार 2024 की भरी जाए? ऐसा नहीं है, देखो ये यूपी की नाक है, कोई भी दिल्ली जाएगा तो यूपी के अंदर आएगा, स्टार्टिंग ये सही है, जांच कर लेंगे तो पूरा यूपी जो भी अच्छा हो जाएगा। जैसा कि आज जो प्रधानमंत्री से मुलाकात की है, अमित शाह जी से मुलाकात हुई है, क्या लगता है किन बातों को लेकर मुलाकात हुई होगी दिल्ली में? देखिए, वो सुनिए, प्रदेश अध्यक्ष हैं, चुनाव होने वाला है तो बात डेली वो बात होती है, नहीं बात तो है कि आज बात हुई है, उनका तो काम ही है मतलब बात करने का है, रणनीति बनानी है, चुनाव भी आ रहा है, 2024 का चुनाव भी आ रहा है, उसमें चर्चा होती है, होनी भी चाहिए, सामान्य प्रक्रिया है। देखिए 2024 बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाजपा को पूरे प्रदेश में, अपने उत्तर प्रदेश के अंदर में जिस तरह से एक संगठन को मजबूत करना है, यहाँ के जो कार्यकर्ता है उनको मजबूत करना है, तो इसको लेकर खासतौर पर अहम बैठक यहाँ गाजियाबाद से शुरू होने वाली है। जी प्रवीण, अभी जल्दी ही निकाय चुनाव भी होने वाले हैं, भूपेंद्र चौधरी समय गाजियाबाद दौरा भी कर रहे हैं, साथ में उनके साथ धर्मपाल सिंह भी मौजूद हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है पार्टी संगठन को तो मजबूत करने का उनकी कवायदत होगी और दूसरा इस निकाय चुनाव में भी वो बेहतर कुछ रूपरेखा लेकर आए होंगे कार्यकर्ताओं के साथ, संगठन के पदाधिकारियों के साथ में,
क्या जानकारी है आपके पास? बाकी मैं चाहता हूँ कि आप लोगों से थोड़ा सा और उस पर चर्चा करिए कि उनकी क्या 2024 को लेकर रूपरेखा होगी। वहाँ के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद होंगे मंच के आसपास, क्योंकि पूरी व्यवस्था देख रहे हैं, तो भी आपको उसके बेहतर जानकारी बता पाएंगे इसको लेकर। बता दूं कि यहाँ पर जिस तरह से लगातार जो 2024 की उम्मीद भरी जाएगी पश्चिम उत्तर प्रदेश, बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर किसानों को एकजुट किया जाएगा। किसान जो उस समय पर नाराज थे उनको एकजुट करने की कोशिश की जाएगी, और उसके बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करके, अभी अमित शाह जी से मुलाकात करके, जिस तरह से यहाँ पर भूपेंद्र सिंह चौधरी पहुंचने वाले हैं, कुछ ही क्षणों की यहाँ पर देरी है। कार्यकर्ता सब, मंच आपको दिखा दूं, ये तस्वीरें देख लीजिए, इस समय पर कार्यकर्ता सभी लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर, और ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर भव्य स्वागत किया जाएगा भूपेंद्र सिंह चौधरी का। और उसके बाद यहाँ पर लगातार जिस तरह से बैठकों का दौर है वो बना रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सभी नेता धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, सभी जितने भी विधानसभा है वहां से यहाँ पर भाजपा के जो विधायक है वो भी पहुंच रहे हैं। हालांकि अभी यहाँ पर जिस तरह से जो एक तरह से भव्य स्वागत जो है वो किया जाएगा यहाँ पर, कहीं ना कहीं जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मंच पे तैयारियां शुरू हैं, कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है। अपने नवनिर्वाचित प्रदेश के भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष, आज उनसे मुलाकात होगी, उनका सम्मान फूल मालाओं से। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद दिख रही है। गाजियाबाद के दौरे पर भूपेंद्र सिंह चौधरी आज गाजियाबाद पहुंचने वाले हैं बस कुछ ही देर में, जहां वो वैशाली गाजियाबाद स्टेट होटल में संगठनात्मक बैठक भी करेंगे, उनको संबोधित भी करेंगे, 2024 को लेकर नई रूपरेखा भी रखेंगे, साथ में कार्यकर्ताओं को निकाय चुनाव आने वाले तो निकाय चुनाव को लेकर भी अपना कुछ दिशा निर्देश जरूर देंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही उत्साह का दिन है ये, उनके जोर शोर से तैयारियों के लिए, उनको सम्मानित करने के लिए मंच का पूरी तैयारियां आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। वरिष्ठ कार्यकर्ता और वहां के विधायक भी इसमें मौजूद हैं। वहां पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। गाजियाबाद को भगवा रंग में पूरी तरीके से सराबोर कर दिया गया है उनके सम्मान में। आपको बता दें कि 1 सितंबर यानी आज गाजियाबाद के प्रवास पर रहेंगे भूपेंद्र सिंह चौधरी, वो दोपहर 2 बजे के आसपास गाजियाबाद पहुंचेंगे। हमारे संवाददाता प्रवीण वहां पे बराबर पल पल की अपडेट के लिए मौजूद हैं और वहां पे स्थानीय पदाधिकारियों और बीजेपी के कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं। दरअसल 2024 की लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, वहीं निकाय चुनाव को लेकर भी। प्रवीण, मैं चाहूंगा कि आप बीजेपी के अगर वहां विधायक मौजूद हैं या वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करिए कि आज भूपेंद्र चौधरी क्या संबोधन में बोल सकते हैं, क्या नई रूपरेखा बना रहे हैं उसको लेकर थोड़ा सा जानकारी लीजिए। आप देख रहे हैं कि क्षेत्रीय बैठक में आप आ रहे हैं और गाजियाबाद में प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं में उत्साह है और सब लोग ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पर आए हैं। उसके बाद वो क्षेत्रीय बैठक में अपना भाग लेंगे, जहाँ जिलाध्यक्ष, 19 जिलों के जिला प्रभारी और क्षेत्रीय पदाधिकारी उस बैठक में हिस्सा लेंगे। जो संगठनात्मक बैठक होगी उसमें जो पिछले काम काज है उन काम काजों के बारे में वो समीक्षा करेंगे और आगे के कामों के बारे में बताएंगे। संजीव जी, क्या लगता है 2024 को लेकर भी कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर बैठकें होने वाली हैं? जिसको जो भी काम अब हो रहा है वो सब नगर निकाय को लेकर और 2024 को लेकर ही हो रहा है। नगर निकाय चुनाव और 2024 बहुत महत्वपूर्ण लगता है, उसको लेकर यहाँ पर लगातार दौरा किया जा रहा है। आज बैठक का दौर है लगातार, क्योंकि यहाँ पर एक भव्य स्वागत किया जाएगा। आपको मंच की तस्वीरें फिर से एक बार दिखा सकता हूँ, ये यहाँ पर भाजपा के सभी कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है और ये मंच जो सजाया गया है आप देख सकते हैं तस्वीरों में, इस तरह से मंच की एक तरह से भव्य तरीके से सजाया गया है। यहाँ पर साउंड सिस्टम रखे गए हैं, लगातार यहाँ पर संबोधित भी करेंगे अपने कार्यकर्ताओं को। और ये भीड़ देख सकते हैं आप, देखिए रोड पूरा एक तरह से, ये भाजपा यूपी बॉर्डर वही बॉर्डर है जहाँ पर किसानों ने आंदोलन किया था, उससे थोड़ी ही दूर पर यहाँ पर एक मंच सजाया गया है वोटिंग पोस्टर के साथ। यहाँ पर लगातार देखिए भाजपा के सभी बड़े बड़े पदाधिकारी और सभी जितने भी यहाँ से बड़े नेता है, और यहाँ पर हालांकि देखिए यहाँ पर अब धीरे धीरे करके विधायक भी पहुंचने वाले हैं, क्योंकि जाम में थोड़ी गाड़ियां फंसी है, थोड़ी देर में वो भी पहुंचने वाले हैं। यहाँ पांचों विधानसभा से सभी विधायक यहाँ मौजूद होंगे, सभी बड़े कार्यकर्ता मौजूद होंगे, क्योंकि बड़ी अहम वोटिंग। आप देखिए ढोल नगाड़े लगातार यहाँ बज रहे हैं, ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत किया।
स्क्रीन पर हम देख सकते हैं कि ढोल नगाड़ों के साथ उनके सम्मान की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में वहां पे एकत्रित हो रहे हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता भी वहां पे एकत्रित हो रहे हैं। उसका प्रवीण, मैं भी आपको बताना चाहूँगा, जमीनी पश्चिमी यूपी के बहुत ही ज़मीनी नेता हैं, वो बड़ी ज़मीनी स्तर पर जुड़े हुए हैं कार्यकर्ताओं के साथ। और क्योंकि नगर निकाय का चुनाव जो इलेक्शन होने वाले हैं, बहुत जल्दी तैयारी है वो भी सर पे आ चुकी हैं, तो उसके लिए इसको लेकर भी वो कहीं ना कहीं संगठन को संबोधित करेंगे और उनकी तैयारियों का जायज़ा भी ले सकते हैं। साथ में मैं भी चाहूँगा कि आप बराबर बात करते रहिए कि वो अब तक कहाँ पहुँचे हैं और प्रशासन ने उनकी क्या व्यवस्था कर रखी है। रूट डाइवर्जन हो रखा होगा, कुछ ना कुछ व्यवस्था ऐसी हो रखी होंगी ताकि बाधाएं वहाँ पर ना हो, इसकी जानकारी कुछ आपको हो तो बताइए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, नए प्रदेश अध्यक्ष यूपी के बनने पर भूपेंद्र सिंह चौधरी जब लखनऊ आए थे तो डिप्टी सीएम बिजेश पाठक और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उनको चारबाग में रिसीव किया था और बड़ी शानदार तरीके से लखनऊ में उनका स्वागत समारोह हुआ था। जगह जगह पर उनको स्वागत के लिए मंच बने थे जहाँ पर जाके उन्होंने संबोधित किया। और हमारे वरिष्ठ जो अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हैं, बहुत सम्मान किया, उनको भी माल्यार्पण किया गया, पुष्पांजलि अर्पित की गई वहाँ पर। और आज ये गाजियाबाद दौरे पर पहुंचे हैं जहां पर ये गाजियाबाद के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, वहां के पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे और कुछ 2024 को लेकर नई रूपरेखा बनाएंगे। निकाय चुनाव भी सर पे है तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं वो दिशा निर्देश देंगे। इस खबर पे हमारे साथ प्रवीण जुड़ चुके हैं। प्रवीण, क्या माहौल, कितनी देर में पहुंचेंगे, कितनी देर में पहुंचने का उनका अनुमान है कि भूपेंद्र सिंह चौधरी वहां पहुंचने वाले हैं? देखिए, पीछे चलू में यहाँ पर भूपेंद्र चौधरी पहुंचने वाले, क्योंकि बैठक का दौर वहाँ खत्म हो चुका है दिल्ली में, उसके बाद यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। हालांकि देखिए, रोड भाजपाओं की गाड़ी यहाँ पर एकत्र है, सभी लोगों ने साइड में गाड़ी खड़ी की, थोड़ा रोड का प्रॉब्लम, जाम का प्रॉब्लम है। हालांकि एक्सप्रेस वे बहुत अच्छा बन गया तो जल्द ज्यादा समय नहीं लगेगा, थोड़ी देर में वो पहुंच रहे हैं यहाँ पर। और जल्द से जल्द यहाँ पर बैठकों का दौर शुरू हो जाएगा, क्योंकि भव्य स्वागत होने वाला है पश्चिम से। तो यहाँ सभी कार्यकर्ता और सभी जितने भी पदाधिकारी सभी लोग पहुंच चुके हैं। ढोल नगाड़े लगातार यहाँ बजने भी शुरू हो गए हैं। हालांकि थोड़ी गर्मी है यहाँ पर, उमस है, लेकिन कार्यकर्ताओं में जो जोश है वो देखने को बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है, क्योंकि कार्यकर्ता और बीजेपी के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। मंच देखिए, यहाँ पर अति धूप के अंदर भी अपने नेता का किस तरह से स्वागत कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रवीण, अभी आपके पास क्या अपडेट्स आ रही हैं कि भूपेंद्र सिंह चौधरी अभी कहाँ पहुंचे हैं, क्योंकि उनका 2 बजे का समय था पहुंचने का? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली से इस समय पर उनका काफिला जो है वो रवाना हो चुका है, दिल्ली से उनका काफिला जो है वो रवाना हो चुका है। हालांकि कुछ ही देरी में यहाँ पर पहुंच जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा विलंब हो रहा है कार्यकर्ताओं में। यहाँ पर हजारों की संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पहुंच रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत अहम बैठक यहाँ पर गाजियाबाद के अंदर में होने वाली। जी प्रवीण, इस खबर पे हम आपके बराबर जुड़े रहेंगे, भूपेंद्र सिंह चौधरी के वो गाजियाबाद दौरे की अपडेट को बराबर आपसे जानते रहेंगे। फिलहाल अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद आपसे फिर मुखातिब होते हैं। जैसा कि आज भूपेंद्र सिंह चौधरी गाजियाबाद के दौरे पर हैं और कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, संबोधित करेंगे और वहाँ की जायजा लेंगे। 2024 को लेकर निकाय चुनाव भी सर पे आ रहा है तो उसको लेके भी कुछ ना कुछ तैयारियाँ, कुछ ना कुछ रूपरेखा जरूर रखेंगे। फिलहाल पूरी अपडेट की जानकारी हम आपको देते रहेंगे, तब तक के लिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।